तो गाइस मिलिए इनसे, ये है मेरे BF जो। तो कैसे लगे आप सभी लोगों को हम दोनों की जोड़ी? हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। सुबह की बज रही है अभी 9 बज के पता नहीं कितने मिनट हो रहे हैं, और ये टाइम होता है हमारे कॉलेज जाने का। कल रात को तो दिन के बाद भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रात को हम सो गए थे सीधे, और मैंने सोचा दोनों मिक्स करेंगे। और सिमी भी पहुँच चुकी है और आते आते अपने बैग की सिलाई पर लगी हुई है। बेचारी का बैग टूट गया आज। तो सबसे पहले हम आए हैं, क्या बोलते हैं उसके, बुक सेलर ही बोलते ना। तो यहाँ पे सिमी को कुछ सामान लेना था, उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो वो कल रात को भी बोल रही थी, बट तब तक टाइम हो गया था। तो हमने सोचा अभी कॉलेज जाना ही है तो वहीं से इसके लिए वो सामान भी लेके आते हैं। मुझे मिली है हिमसिका काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि ये भी घर गई थी और आज ही मेरा, हाँ मैंने कहा कि अगर ये जाएगी तो मैं जाऊंगी। वैसे मेरा मन नहीं था कॉलेज जाने का, लेकिन मैंने कॉल करी इसको, इसने कहा मैं आ रही हूँ। और ये है मेरी दूसरी फ्रेंड आंचल। आंचल हेलो बोलो। हिमसिका नहीं बोलेगी? अच्छा, वो बहुत अच्छा, नहीं शर्माती भाई वो। तो आज अंजू तो आई नहीं और मैं ही आई हूँ, और क्या पता क्या हो। एक क्लास के बाद हम सीधे चलेंगे घर, कॉलेज। तो मैं घर आई गई और अंजू भी आ चुकी है आज अपने गांव से शादी होके। तो अंजू कैसी रही आपकी शादी घर में? कैसे रही? बेस्ट, नींद नहीं आया मैं पूरे। हाँ वही तो, डांस कर करके बेचारी 2-3 दिन तक, और ऊपर से एक दिन घर में भी रही। कल तो शादी नहीं थी, कल घर में रुकी है। अरे नहीं आया नहीं पूरा। और अंजू लेके आई है घर से मेरे लिए स्पेशली, जो मुझे इतना पसंद है, गुलथिया हलवा। और इस पे है इसके अरसे रोटनी, तो रोट ने तो नहीं है ये, बट आर से है। हद है, इसने खा लिया भाई, मैंने सोचा नहीं लाए तो ये है रोट। इस बार हमारे यहाँ नहीं बने आज। हाँ वैसे भी गांव में थी शादी, अगर फैमिली में होती तब तो होता भी। और अंजू को याद था, अंजू हमारे लिए गुल थे लेके आई हलवा। बाड़ी कोदे की होती है पता नहीं, ये बकरे वो दूध का है, ये दूध का। तो अंजू किसी और का लाई थी ये सामान भी, तो मुझे लग रहा है उसमें तो रोट ने नहीं है क्योंकि दिव्या ने खा लिया। अब मुझे ऐसे लग रहा है इसमें हो सकते हैं, तो देखते हैं जासूसी, हम भी तो देखें क्या क्या दिया है। अगर इसमें रोट नहीं होंगे तो एक निकालूंगी। देखो अंजू भी मेरे साथ साजिश में शामिल, सारा जहां है देख लो भाई, जो भी हो ठाकुर दांत नहीं है बोलो उसके बेटा, लोगों की ऐसी बेइज्जती हो रही, दांत नहीं निकल रहे एक मिल गया। तो अपने वाले अरसे, सॉरी अरसे डाल दे इसमें, अगर उतना ही है तो डाल दे। और आप सभी लोगों को मैं अवगत करा दूं कि आज ही पहुंचे थे हमारे मेहमान जी, और मेहमानों से देखो क्या काम करवा रहे हैं, बर्तन धोएंगे आज हमारे मेहमान। तो मतलब हाँ यहाँ चैन नहीं है भाई, अब ये बर्तन धोएगी और यहाँ रूम इतना गंदा पड़ा है, ये साफ करूंगी मैं। कल भी आते आते ना मैंने पूरी बाल्टी बर्तन धोए थे और सफाई भी करी थी। अच्छा, बट पहले भी आए थे। हाँ हम पहले भी आए थे, तो सीधे आते आते ही हम काम पे लग गए। हाँ वही तो, गैस ही है ये हो रखा गैस। तो पहले फटाफट सफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है दिन का प्लान। और ये कूड़ा भी, उप्स क्या ही बोले, परेशान हो गए हैं हम तो। अब चलते हैं फटाफट, पहले काम पे लगते हैं, उसके बाद बनाएंगे ब्लॉग वगैरह वगैरह जो भी होगा हमारा। दिन की बज रही है अभी एक, और अभी खाना बनाया है अंजू ने, और अंजू ने बनाई है आज दाल चावल और रोटी थी कल रात की। तो ये तो मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा भूख, तो मैं खाने वाली हूँ रोटी और इनके चावल तो अब बनने वाले हैं। बेचारी की आवाज भी नहीं आ रही यार, ठंडे से नहीं आ रही, ठंडे से नहीं, ये बहुत कम बोलती है। कम है ना।
ये हो ही नहीं सकता। हल्ला करना देते पूरो गांव मुंड में धरते भैया ना रे ये बात तो मत कर। आज हम हिमसिका को कॉल करना भूल गए। मैंने बोला था कि जब हम आएंगे तो हम तुझे कॉल करेंगे, बट हम सबसे पहले खुद ही पहुंच गए हैं इधर। और चलते हैं फिर क्लास में और देखते हैं। तो कोई नहीं है क्लास में, तो आज हम भी करेंगे पतली कमरिया मेरी हाय हाय। कहाँ है पतली है ही नहीं, हम तो मोटे हैं भाई। तो हम इसमें करने वाले हैं डांस। डांस नहीं, थोड़ी रील्स बनाएंगे क्योंकि अभी कुछ है नहीं, कोई आया ही नहीं, मैं करूँगी। तो आज काफ़ी टाइम बाद हम आए हैं लाइब्रेरी में, और वो काम ये है कि आज हिमशिका को करानी थी अपनी बुक्स जमा, तो उसने उस दिन से नहीं करवाई, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, वरना हमारा तो टाइम हो ही गया था अभी घर जाने का। दिन की डेढ़ बज चुकी हैं और हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि हमारा कॉलेज 10:45 पे ख़त्म होता है, और अभी हमारी दो क्लास और हैं तो उसमें भी तो कमी हुई है। हाँ वही तो, और हम पॉली के लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस है अभी हमारी। और क्या तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे हो गई, जिस वजह से हमें दो बार आना पड़ता है हर रोज़ इधर, और ये होते हैं मुश्किल के काम, मन ना होते हुए भी ज़बरदस्ती। और वो भी हाय, हम तो जाते भी नहीं, बट हमारा अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है इसका और मेरा, तो आज हमें नॉमिनेशन भी करना है, फिर देखते हैं क्या होता है अभी। तो ये टाइम है सबका कॉलेज से घर आने का, और हमारा है ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेकार। देखो सारे लोग घर आ रहे हैं इधर से, तो क्या कहाँ चले गए, नहीं हमारी क्लास है भाई। तो मॉर्निंग में हमारी सारी क्लास ही चलती है उधर, और अभी पॉली की चल रही है कक्षा संख्या 6 में, तो क्लास चेंज हो गई, वो भी हमको नहीं पता था, इसने बताया, और अंदर सारे बैठ चुके हैं बस हम दोनों को छोड़ के। तो दोस्तों मैं बोलने मतलब मैंने उस दिन बोला था कि मैं आपको किसी इंसान से मिलाने वाली, तो वो ये रहे हाँ। तो मुझे फाइनली मिल चुके हैं, आज काफ़ी टाइम बाद हम दोनों की मुलाकात हुई है। तो ये क्या बोलते हैं, इन 2 सालों में मुझे कॉलेज में कम से कम कोई तो मिला कोई तो मिला मुझे, मतलब हम दोनों क्या ही बोले, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कैसे लगे आप सभी लोगों को हम दोनों की जोड़ी, कमेंट में बोलना, है ना क्यूट क्यूट। मैं तो क्यूट नहीं हूँ, लेकिन ये तो क्यूट क्यूट है भाई। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान। तो गाइस मिलिए इनसे, ये है मेरे BF जो मुझे आजकल मिले हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मतलब कॉलेज में 2 साल में कम से कम कोई तो आया मुझे पसंद। और क्या ही बोले, इनका नाम है अंश। तो अंश कुछ बोलना चाहोगे? तो अंश को अभी बहुत ही ज़्यादा देर हो रही है क्योंकि ये जाने वाले हैं कंप्यूटर। तो कुछ क्या बोले, ये बोले कुछ भी बोलो, इनकी और क्या तारीफ करूँ, कुछ नहीं बोली। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि हम दोनों की जोड़ी आपको कैसे लगी भाई। तो गाइस ये था मजाक, क्योंकि हेलो बोलो भाई। हेलो तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है और इन्होंने ये टॉम बॉय बनने हुए हैं आजकल। ऐसा कुछ नहीं है, BF वाला कोई सीन नहीं है, मैं आपके साथ प्रैंक कर रही थी, मैंने सोचा थोड़ा कर लूँ कुछ मजाक मस्ती। शाम की बज चुकी है 5 और इस टाइम मैं आई थी रेडी हो के, हाँ सच में रेडी, मेरा मैं नहीं, मैं भी हाँ वही तो, ये सो गई थी, सो गई थी ये, और मैं मतलब मुझे शायरी रिकॉर्ड करनी थी, बट इतना शोर आ रहा कि मतलब पीछे से भी लगातार शोर ही शोर, तो जिस वजह से मैं आज शायरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। ये थोड़ा सा रुक जाते तो क्या ही जा रहा था, मेरी एक शायरी बन जाती, बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा है और क्या ही करना, मेरे तैयार होने का फ़ायदा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मार्केट, अंजू चले, मुझे दवाई लेनी थी, जिम भी होनी क्या? नहीं तो मैं और अंजू जा रहे हैं अब सीधे मार्केट दवाई लानी, और मैं जब तक छियार मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। देखते हैं फिर भी क्या होता है वहाँ पे, बहुत ही शोर हो रहा भाई, इतने में एडिट भी कैसे करनी। तो शाम की 5:30 से ऊपर ही हो गया और अंधेरा भी हो ही है, आप देख रहे होंगे, और अभी हम जा रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, इसकी एक फ्रेंड है उसके रुपए देने थे और पता नहीं कहाँ जाने, इतने ऊपर तो पहुँच गई लगता है, इधर से इधर जाना पड़ेगा।
अंजू का तो एक काम हो ही गया है, ये क्या था इस कागज का नाम सॉरी डॉक्यूमेंट्स का नाम। तो अब हम आए हैं अंजू को टॉप्स लेने, मतलब इसके कानों पे बालियां नहीं है, बहुत हल्ला। तो हम इसके लिए कान के टॉप्स लेने आए हैं, लेकिन अंदर कुछ बिजी चल रहा है, मतलब सॉरी कोई और है, तो हमने सोचा थोड़ा सा वेट कर ले इधर पे, उसके बाद चलेंगे हम। तो हम अंजू के लिए लेने आए हैं ये टॉप्स, तो यहाँ पे मिली हमें, हाँ सॉरी इसको कुंडल चाहिए, मैं तो टॉप्स देखने आई थी। अभी हमने मार्केट से लिया है अंजू के लिए ये क्या बोलते हैं टॉप्स भी नहीं लाए थे हम, वो झुमके लाए हैं, इसको यही पसंद आए टॉप्स लाए हैं। और अब हम जा रहे हैं सीधे मार्केट दोबारा, क्योंकि मैं कुछ लाना भूल गई हूँ खुद के लिए, खुद के लिए नहीं क्या मतलब दवाई भी लानी थी बट मैं नहीं ला रही। और हम लाएंगे वो क्या बोलते हैं गुड़, ये खाना है रेंटा, चल बदतमीज लड़की। तो अभी हम लाए थे खुद के लिए ये क्या बोलते हैं इनको कुरकुरे टेढ़े मेढ़े और गुड़, क्योंकि यही था बहुत ही ज़्यादा जरूरी। हाँ क्या पता कभी, अरे अब इसमें हम भी नहीं दिख रहे यार। तो आज बगल वाली ताई और उन्हें दिए थे आज से, तो मैं अभी अभी वही मिस कर रही थी, मैं बोल रही थी कि अगर पूरे नहीं खाते इस टाइम होते तो ये नहीं जवा वो नहीं खाओ हम नहीं को मैंने कहा कि उस टाइम के बच्चे हो तो सूखा ठंडा जाते खैर। अंकल जी पेट में दर्द है तो भी उसको जब ना सेल्फी खींच रही थी रोनी तक वीडियो पर छोड़ो वो पे भी खाना देंगे मेरे को रिप्लेस मार ना ये तो हम घर आ चुके हैं। और क्या बोलते हैं वहाँ पे मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया, मैंने कैमरा तो खोल दिया था, पता नहीं तब तक उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जिस वजह से मैंने कैमरा ही बंद कर दिया। तो क्या पूछ रहे थे वो तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगी तो हम गए थे अभी मेडिकल स्टोर उसको बोलते शायद जहाँ मेडिकल जो भी बोलते हैं तो हम वहाँ गए थे दवाइयाँ लेने, क्योंकि अचानक अरसे खा के होने लगा पेट में दर्द, तो हम दवाइयाँ लेने गए थे। मैं वहाँ पे बोलना ही चाह रही थी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोलती है उन्होंने बोला कि क्या मिलता है तुम कैसे वीडियो बना के ये वो, तो फिर क्या ही बोलना था। और हमने सोचा घर आके करेंगे हम रिकॉर्ड, और अब हम बनाने वाले हैं खाना, और खाने में बनेगा आज हमारी छीमी, शायद पत्ता गोभी भी हो सकती है छीमी। तो रात की बज चुकी है 7 और अब खाना वाना बनाते हैं, और इतना ही होता है टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो करें लाइक, करें कमेंट भी करें, सब्सक्राइब कर दो बोलना नहीं तो आप सब्सक्राइब कर ले, शेयर बोलना था शेयर तो क्या ही बोलना, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ वही।